हाय बच्चा गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस सो दिस इज़ उमर आहद जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास के अंदर हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा था जहां पर हमने समझा था कि हम बॉडी के अंदर इनहेल कैसे करते हैं एंड हम बॉडी के अंदर एक्सेल कर कैसे करते हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर कैसे हमारी बॉडी में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम का यूज़ होता है टू तो इनहेल एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग में हम कैसे अपनी एबडामनल को मसल्स को यूज़ करते हैं फॉर फोर्सफुल एक्सपायरेशन ठीक है ना इनहेलेशन तो वहाँ पे नॉर्मल होगा बट एक्सपायरेशन के लिए हम कैसे अपनी बॉडी की एबडामनल मसल्स को यूज़ करते हैं ठीक है ना तो उसी टॉपिक को अगर मैं सिंपलीफाई करके आपको दिखाऊँ थोड़ा एन का डायग्राम भी साथ में देखें तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि इंस्पायरेशन का मतलब होता है इन्ेल करना ठीक है ना सांस को अंदर लेना जब हम सांस लंबी अंदर लेते हैं या नॉर्मल सांस जब अंदर लेते हैं तो सांस अंदर लेने को इन्हेलेशन को हम क्या बोलते हैं इन्स्पायरेशन बोलते हैं या इसको हम ब्रीद इन भी बोलते हैं तो जब आप सांस अंदर लेते हैं ब्रीद इन करते हैं सो ब्रीद इन इज़ कॉल्ड एज इन्हेलेशन या इसको हम क्या बोलते हैं इंस्पायरेशन बोलते हैं और इंस्पायरेशन लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था ये क्या होता है ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है ठीक है ना अब इसको एक्टिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं बिकॉज इंस्पायरेशन में हमको मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ता है एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको पता है बच्चा ए की जरूरत पड़ती है सो ऑन दैट वेरी बेसिस हम उसको क्या बोलते हैं हम उसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं और लास्ट क्लास में हम पूरा डिटेल में देख चुके हैं दैट अगर हमको बॉडी में इंस्पायरेशन करना है तो इंस्पायरेशन in के लिए दो मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होता है जिसमें से पहली मसल जो है बेटा दैट इज मसलराम मसल को हम फ्रीनिक मसल भी बोलते हैं या रेडियल मसल्स भी बोलते हैं एंड एंडर जो मसल uh, जिसको हम बॉडी में यूज करते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बेटा ठीक है तो अगर हम डायफ्राम की बात करें तो होता क्या है जैसे ही नर्वस इंपल्स आता है फॉर इन्हेलेशन या ब्रीदिंग के लिए नर्वस इंपल्स ब्रेन से आता है तो हमारी डायफ्राम की मसल क्या करती है कॉन्ट्रैक्ट करती है ठीक है ना नॉर्मली हमारा डायफ्राम कैसा होता है बेटा ये ऐसे डोम शेप्ड होता है इस तरीके का होता है ये हमारा नॉर्मल शेप है डायफ्राम का बेटा लेकिन जैसे आप इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या हो जाता है हमारा डायफ्राम ऐसे फ्लैट हो जाता है समझ आ रहा है ना तो जैसे ही डायफ्राम फ्लैट होगा सो so दैट मीन्स अभी डायफ्राम कुछ ऐसा बन गया तो इतना वाला स्पेस डायफ्राम का क्या हुआ बेटा डायफ्राम के नीचे जाने की वजह से इतना वाला स्पेस लंग्स का क्या हो गया इंक्रीज़ हो गया बेटा अगर आप एन सी आर टी की डायग्राम को देखेंगे तो एन सी आर टी के डायग्राम में इंस्पायरेशन को समझाने के लिए क्या दिखाया गया कि जैसे आप इनेल करेंगे इन्हील करने का मतलब हवा अंदर लेंगे बेटा सो ड्यूरिंग इन्हीशन क्या होता है आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये अगर हमारा डायफ्राम है ऐसे सो so दिस इज डायफ्राम बेटा तो क्या दिखाया गया है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और जैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायफ्राम कहाँ की तरफ आएगा नीचे की तरफ आएगा मतलब डायफ्राम अभी क्या होने वाला है अभी ऐसे फ्लैट होने वाला है बच्चा ठीक है तो अगर ये आफ्टर इन्हेलेशन डायाफ्रैम की पोजिशन है लेकिन बिफोर इन्हेलेशन डाया की पोजिशन क्या थी ये वाली फॉर इफ दिस इज़ ए एंड दिस इज बी तो ए औरजिनल पोजिशन है डायाफ्रैम का एंड बी आफ्टर इन्हेलेशन पोजिशन है डाया का सो दैट मीन्स जैसे डायाफ्रैम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इतना अमाउंट ऑफ स्पेस इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बेटा डाया की वजह से क्या हुआ इंक्रीज हुआ और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा लंग इतना क्या आएगा नीचे आएगा तो लंग का ये अब नया वॉल्यूम डेवलप हुआ सो दिस मच अमाउंट हैज़ इंक्रीज इन साइड द लंग दिस मच वॉल्यूम हैज इंक्रीज इन साइड द लंग बेटा समझ आया ना और ये वॉल्यूम इंक्रीज कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम है बेटा ठीक है और मैंने बोला था ड्यूरिंग डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रेक्शन बेटा लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है किस एक्सीज पे एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सीज पे क्या होता है वॉल्यूम इंक्रीज होता है मतलब लंग साइज में ऐसे बढ़ेगा बेटा लंग नीचे की तरफ जाएगा एंड ऊपर तो बेटा अपनी पोजिशन मेंटेन कर ही रहा है सो दिस इंक्रीज इज कॉल्ड एज एंटीरियो पोस्टीरियर इंक्रीज़ बेटा ठीक है ना तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था तो क्या हुआ कि डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से थोड़ासिक वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ बेटा इंक्रीज़ इन द थोरेसिक वॉल्यूम और किस एक्सीज पे एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सीज पे सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ठीक है और जैसे ही ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ इसकी वजह से क्या हुआ वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो हमें पता वॉल्यूम एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा तो इंट्रा इंट्रापलरी प्रेशर डिक्रीज़ हुआ ठीक है तो सबसे पहले हमने डायाफ्रेम की वजह से क्या किया प्रेशर डिक्रीज़ किया एंड वॉल्यूम इंक्रीज़ किया अब दूसरी मसल जो हमारे पास होती है बेटा जो इनस्पायरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल तो होता क्या है जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोसलो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमारे पूरे रिब केज का अभी तो खाली डायफ्राम वाले साइड में साइज uh, इंक्रीज़ हुआ था एंड वॉल्यूम इंक्रीज डिक्री इंक्रीज हुआ था एंड प्रेशर डिक्रीज हुआ था लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोश्लो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं बच्चे इस डायग्राम को अगेन देख सकते हैं इधर तो क्या दिखा रहा है ये डायग्राम ये हमारा रिब केज है बेटा सो दीज आर रिब्स तो ये हमारी रिब्स हो गई ठीक है तो ये हो गए बेटा एक्सटर्नल इंटरकोशल मसल्स और ये हो गए इंटरनल इंटरकोशल मसल्स तो अभी क्या हो रहा है जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोशल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या कर रहा है बेटा ये रिब केज को बाहर की तरफ खींच रहा है बेटा ये रिब केज को बाहर की तरफ खींच रहा है एंड स्टर्नम थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगा तो रिब केज एंड स्टर्नम रेस्ड मतलब जैसे आप सांस अंदर लेंगे आपका रिब केज बाहर और ऊपर आ जाएगा बेटा आउटसाइड एंड अपवर्ड्स जाएगा बेटा तो जैसे रिब केज बाहर आएगा तो लंग्स का ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा बेटा इंक्रीज हो जाएगा मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर ये ओरिजिनल पोजीशन है बेटा आपकी रिपकेज का तो ये लाइन रिप्रेजेंट करा ओरिजिनल पोजीशन लेकिन जैसे रिपकेज बाहर आएगा तो फॉर एग्जांपल अब ये लंग्स अब ये रिपकेज बेटा इस पोजीशन पे पहुंच गया तो इसकी वजह से क्या होगा लंग्स पहले कहाँ पे थे बेटा इस पॉइंट पे थे लेकिन अब लंग्स बाहर आ जाएंगे तो मान लीजिए फॉर इस पॉइंट पे लंग्स पहुंच गए बेटा तो इतना अमाउंट इंक्रीज अगेन हुआ ना बेटा सो so, जैसे इंक्रीज होगा लंग्स के अंदर तो दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ गया वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा बेटा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या हो रहा है इंक्रीज़ हुआ थोड़ासिक वॉल्यूम किस एक्सीज पे बेटा डॉरसो वेंट्रल एक्सीज पे बिकॉज रिब केज के आगे और पीछे वाला दोनों साइड इंक्रीज़ होगा बेटा ठीक है ना इसकी वजह से अगेन क्या हुआ बेटा इंट्रापालमरी प्रेशर डिक्रीज़ हुआ और जैसे ही इंट्रापालमरी प्रेशर डिक्रीज़ हुआ आप इधर देख सकते हैं इधर भी इंट्रापालमेरी प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है इधर भी इंट्रापालमरी प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है सो बिकॉज ऑफ़ द डिक्रीज़ इन द इंट्रापालमरी प्रेशर बाई इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लंग्स बेटा किस किस की वजह से डायफ्रैम की वजह से एंड एक्सटर्नल इंटरकोसल मसल की वजह से होता क्या है बच्चा है कि लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है एंड पॉजिटिव प्रेशर क्या हो जाता है डिक्रीज हो नेगेटिव प्रेशर का मतलब होता है सक्शन प्रेशर हवा को अंदर खींचने का प्रेशर जो है बेटा वो बढ़ गया बिकॉज प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है ना और पॉजिटिव प्रेशर जो हवा को बाहर फेंक रहा था वो क्या हो गया बेटा वो डिक्रीज हो गया और जैसे ही नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बिकॉज अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ हुआ ना उसकी वजह से हवा कहाँ पे आ जाएगी बेटा लंग्स के अंदर आ जाएगी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं In इनस्पायरेशन बोलते हैं तो ये मैंने लास्ट टॉपिक को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिया उसका ठीक है ना वैसे ही अगर आप एक्सपायर नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात करेंगे तो नॉर्मल एक्सपायरेशन कैसा होता है पेसिव होता है ठीक है कौन यूज होता है इसमें बेटा डायफ्रेम एंड एक्सटर्नल इंटरकोसल मसल लेकिन ध्यान से देखिए क्या हो रहा है डायफ्रेम रिलैक्स कर रहा है सो <coughs> मीन्स <So means, coughs> अगर इन्हेलेशन के टाइम पर डायफ्रेम इधर पहुंच गया था ठीक है ना लेकिन जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो डायफ्राम अगेन किस पोजीशन में आएगा बेटा इस पोजीशन में आएगा तो मतलब डायफ्राम अपनी जगह पे वापस लौटा और जैसे ही डायफ्राम अपनी जगह पे वापस लौटेगा तो जो डायफ्राम के नीचे आने की वजह से इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ था वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा जैसे वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा इंक्रीज हो जाएगा किस एक्सीज पे एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सीज पे ठीक है सिमिलरली जैसे रिब केज अपनी पोजिशन पर वापस आएगा बिकॉज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स कर रही है तो रिब केज यहाँ पहुँच गया था लेकिन जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेगा रिब केज अपनी पोजिशन पर वापस आएगा तो लंग्स का जो इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बढ़ गया था वो वॉल्यूम अब क्या हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा और जैसे वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा इंक्रीज़ सो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर इंक्रीज़ हुआ नेगेटिव प्रेशर डिक्रीज़ हुआ हम क्या करेंगे बेटा हम एक्सहेल करेंगे या लंग्स के थ्रू बेटा हवा क्या आ जाएगी बाहर आ जाएगी दोनों जगह पर पे पेसिव प्रोसेस है बिकॉज यहाँ पर मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है बट रिलैक्सेशन हो रहा है तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर बेटा डायफ्राम मसल रिलैक्स थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ किस एक्सिस पे एंटीरियर पोस्टर एक्सिस पे है ना इसकी वजह से क्या हुआ बेटा इंट्रा पलमनरी प्रेशर इंक्रीज हुआ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स कर रही है तो अगेन बेटा थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे बेटा एंड इंट्रापालमनरी प्रेशर क्या हो गया इंक्रीज़ सो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है बिकॉज दोनों जगह पे वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है इसकी वजह से क्या होगा टोटल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा नेगेटिव प्रेशर डिक्रीज़ होगा पॉजिटिव प्रेशर क्या होगा इंक्रीज़ और जैसे ही पॉजिटिव प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो लंग्स क्या करेंगे बेटा हवा को बाहर की तरफ धकेलेंगे बिकॉज़ यहाँ पे लंग्स का इंट्रापोलमरी प्रेशर इज़ मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर कम पड़ जाएगा लंग्स का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से हवा क्या आ जाती है बेटा लंग्स से बाहर आ जाती है प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एक्सपायरेशन बोलते हैं समझ आया ना एंड इसके अलावा आपने देखा था कि फोर्सफुल ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं बेटा हम एबडोमनल मसल्स को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन तो ये आप याद रखेंगे चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है सो दिस इज़ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट बेटा नीट के अंदर इस टॉपिक से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं सो दिस इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट फॉर नीट इसलिए इसको इम्पोर्टेंटली आप समझेंगे भी और याद भी रखेंगे होता क्या है बच्चा जब हम अपने नॉर्मल मतलब बॉडी की बात करेंगे या नॉर्मल एक हेल्दी ह्यूमन की बात करेंगे तो एक हेल्दी ह्यूमन बींग के अंदर बेटा बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली अगर हम अप्रोक्सीमेशन से आगे चले तो अप्रोक्सीमेटली एक, एक ह्यूमन बींग एक मिनट में कम, कम से कम 12 से 16 बार क्या करता है बेटा ब्रीथ करता है मतलब 12 से 16 बार वो इनहेल करेगा या एक्सहेल करेगा ठीक है ना तो याद रखेंगे ब्रीदिंग रेट एक ह्यूमन की बेटा पर मिनट की कितनी होती है ट्वेल्व टू सिक्सटीन टाइम्स की होती ट्वेल्व टू सिक्सटीन टाइम्स की सो दैट मीन्स एक पर्सन बारह से सोलह बार सोलह बार हवा को इनहेल करेगा और हवा को क्या करेगा एक्सेल करेगा ब्रीद इन करेगा या ब्रीद आउट करेगा ठीक है ना अब हमारे पास क्या होता है अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे हमारे पास क्या होता है बच्चा हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पर्सन के मुंह में बेटा एक इंस्ट्रूमेंट है सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड ए स्पायरोटर इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ए स्पायरोटर बेटा इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ए स्पायरोटर तो हम क्या कर सकते हैं बेटा हम एक पर्सन के अंदर मेजर कर सकते हैं कि एक पर्सन कितनी हवा अंदर लेता है कितनी हवा बाहर छोड़ता है कितना वो इनहेल करता है और कितना वो एक्सहेल करता है बच्चा समझ रहे ना मतलब एक पर्सन अगर जैसे हम फॉर एग्जाम अभी सब नॉर्मल बैठे हैं हम वीडियो देख रहे हैं बेटे ये वीडियो सुन रहे हैं तो हम रिलैक्स मोड में तो हम इस स्पायरोमीटर से देख सकते हैं कि रिलैक्स मोड में मैं कितना इनेल कर रहा हूँ और कितना एक्सेल कर रहा हूँ ठीक है ना या रिलैक्स मोड के बाद बेटा अगर मेरे को ज़्यादा इनहेल करना है तो मैं मैक्सिमम लंग्स में कितना हवा भर सकता हूँ या मैं, मैं मैक्सिमम लंग से हवा बाहर कितनी निकाल सकता हूँ मतलब मैं मैक्सिमम इन्हीलेशन कितनी कर सकता हूँ या मैक्सिमम एक्सीलेशन कितनी कर सकता हूँ पर मिनट बेटा सो so, ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम कैलकुलेट करते हैं दिस इंस्ट्रूमेंट से जिस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा जिसको हम स्पायरोटर बोलते हैं बेटा समझ गए ना तो स्पायरो जो होता है बेटा ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं बेटा टू कैलकुलेट या टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग बेटा मतलब कितना एयर ऑफ ब्रीदिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं कितना अमाउंट ऑफ एयर बेटा आप इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं नॉर्मली या ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग बेटा सो so, जो इंस्ट्रूमेंट इस चीज़ को हमें कैलकुलेट करके देगा ना दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज स्पायरो जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है मेरे को चेक करना है कि इसके लंग्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इसके लंग्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है बेटा तो मैं इस पर्सन को क्या करूँगा इसकी नाक को बेटा बंद कर दूंगा पिन लगाते हैं बट इसको हम नोज क्लिप बोलते हैं ताकि ये नाक से सांस ना ले पाए फिर इसके मुंह में हम क्या डालेंगे बेटा स्पायरोमीटर डालेंगे तो ये स्पायरोमीटर का माउथ पीस है बेटा फिर हम क्या बोलेगा या डॉक्टर इसको क्या बोलेगा आप सांस अंदर लीजिए तो जैसे ही सांस अंदर लेगा नॉर्मल इन्हेल करेगा तो यहाँ पे उसका क्या बनेगा ग्रैप बनेगा बेटा इस स्क्रीन पे उसका ग्रैप बनेगा फिर उसको डॉक्टर बोलेगा एक्सहेल करिए नॉर्मली तो यहाँ पे उसका भी क्या बनेगा ग्रैफ बनेगा बेटा फिर उसको डॉक्टर बनेगा बहुत लंबी सांस अंदर लीजिए मतलब ज़्यादा इनहेल करिए तो यहाँ पर उसका क्या बनेगा बेटा ग्रैप बनेगा फिर उसको डॉक्टर बोलेगा बहुत हवा बाहर छोड़िए मतलब बहुत ज़्यादा एक्सहेल करिए बेटा एक लंबा एक्सहेल करिए तो यहाँ पे उसका क्या बनता है ग्रैफ बनता है तो ये जो ग्रैफ यहाँ पे बनता है ना बच्चा सो दिस ग्रैफ इज़ कॉल्ड एज स्पायरो ये मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा थोड़ी देर में तो इस ग्रैफ को हम क्या बोलते हैं बेटा दिस इज़ कॉल्ड एज स्पायरो बेटा एंड स्पायरो को रीड करके हमें पता चलता है बेटा कि इस पर्सन में कितनी हवा नॉर्मली अंदर इनहेल होती है कितनी हवा नॉर्मली एक्सेल होती है कितना मैक्सिमम ये हवा इनहेल कर सकता है और कितना ये मैक्सिमम हवा एक्सहेल कर सकता है बच्चा समझ आया ना सो दिस मैकेनिज़्म जिसमें हम क्या करते हैं बेटा जिसमें हम एक पर्सन की लंग्स की फंक्शन को या लंग्स हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है बेटा अनहेल्दी है उस चीज़ को चेक करने के लिए जिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म से हम लंग्स की बेटा ये मेजर करते हैं कि हाउ मच इन्हीशन एंड एक्सलेशन इज ऑकरिंग इन द लंग्स इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं इसको हम स्पायरोमिट्री बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज स्पाइरोट्री इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्पायरोमीटर एंड जो ग्राफ वहाँ पर बनता है बेटा जिसको डॉक्टर बाद में रीड करेगा इसको हम क्या बोलते हैं स्पायरोग्रैम बोलते हैं ये क्लियर है ना अब इस स्पायरोग्रैम में बेटा जो चीज़ें हम इंस्ट्रूमेंट से रीड कर पाते हैं ना मैं बताऊंगा अभी कौन कौन सी चीजें हैं लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो फंक्शन बेटा या जो वैल्यूज uh, हम रीड कर पाते हैं स्पायरोटर से डायरेक्टली हम ये मशीन से रीड कर पाते हैं बेटा सो सच वैल्यूज आर कॉल्ड एज रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स बेटा इनको हम क्या बोलते हैं इनको हम रेस्पायरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं पहले तो यही समझो कि रेस्पेरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में डिफरेंस क्या होता है तो रेस्पायरेटरी वॉल्यूम लंग्स के वो फंक्शनल वैल्यूज है जिनको हम डायरेक्टली बेटा कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं मशीन स्पैरोटर से कैलकुलेट कर सकते हैं अब कुछ वैल्यूज़ ऐसे भी होते हैं बेटा जिनको हम मशीन से डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो हम उनको कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम यूज़ करें मतलब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को हम प्लस माइनस करेंगे जिसकी वजह से बेटा हमको वो वैल्यूज़ मिलते हैं सो सच वैल्यूज़ जो स्पायरोटर से हम कैलकुलेट नहीं कर पाते डायरेक्टली बट फिर हमें उनको इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना पड़ता कर, करना पड़ता है बेटा तो सच वैल्यूज आर कॉल्ड एज रेस्पायरेटरी कैपेसिटीज बेटा उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम रेस्परेटरी कैपेसिटीज बोलते हैं तो पहले तो ये एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है और क्यों हम ऐसा करते हैं तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है बेटा इनको हम कैलकुलेट करने करते हैं इसलिए ताकि हमें पता चले बेटा कि लंग्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या हम इसको यूज़ करते हैं फॉर क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पलमरी फंक्शंस तो मतलब हमारे लंग्स कैसे काम कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लंग्स में सो टू चेक दिस वेरी थिंग बेटा हम एक क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं और उस क्लिनिकल असेसमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं नॉर्मली हम स्पैरोटर यूज़ करते हैं तो जब मैं स्पायरो को यूज़ करूँगा मेरे को पता चलेगा बेटा एक वैल्यू आएगा कि इसने कितना इनहेल किया इस पेशेंट ने कितना एक्सहेल किया तो ये जो वैल्यूज मेरे को डायरेक्टली कहाँ पे मिल रहे हैं ग्राफ में मिल रहे हैं ना सच वैल्यूज आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स लेकिन कुछ वैल्यू ऐसे भी है जो हमको ग्राफ से नहीं पता चलते हैं. तो फिर हमें क्या करना पड़ता है बेटा ग्राफ के अंदर जो वॉल्यूम्स दिए हैं ना उनको बेटा मल्टीप्लाई उनको प्लस माइनस करना पड़ता है तो मतलब ये वैल्यूज हमें डायरेक्टली स्पैरोमीटर से नहीं मिल रहे हैं बट हमें कैलकुलेट करके बेटा इनको इनडायरेक्टली निकालना पड़ता है तो सच पर्टिकुलर वैल्यूज आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज ठीक है तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कौन कौन सा होता है एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है बेटा ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स ट्वेल्व टू सिक्सटीन टाइम्स पर मिनट ठीक है तो नॉर्मली एक ह्यूमन बींग जो है बेटा ऑन एन एवरेज कितने टाइम्स ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट करता है ट्वेल्व टू सिक्सटीन टाइम्स पर मिनट ठीक है वॉल्यूम ऑफ एयर इवाल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाई यूजिंग स्पायरोमीटर तो मतलब हम बेटा ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन इनहेल करता है या ब्रीदिंग में एक्सेल एंड इनहेल करता है इसको हम कैलकुलेट कर, कर, कर सकते हैं डायरेक्टली किसकी वजह से बेटा स्पायरोमीटर की वजह से तो इनको हम क्या बोलते हैं इनको हम वॉल्यूम्स बोलते हैं बेटा ठीक है ना और क्यों ऐसा करते हैं फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस और जो हम इनडली कैलकुलेट करते हैं बेटा उनको हम क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ बोलते हैं और ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के जो हमें वैल्यूज़ मिलते हैं बेटा वो हम रिकॉर्ड करते हैं बाय ग्राफ जिस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं स्पायरोग्राम बोलते हैं बेटा क्लियर हो गया ना यहाँ तक अब ये स्पायरोग्राम कैसा होता है और इसको हम बेटा कैसे याद रखेंगे एग्जाम के लिए तो हम क्या करते हैं हम एक स्पायरोग्रैम को बना देते हैं समझने के लिए बेटा और ताकि हमारे पास कोई कन्फ्यूजन ना रहे ठीक है और इस ट्रिक को आप याद रख लें बिकॉज अगर आपको स्पायरोग्रैम बनाना आया आपको कोई भी कैपेसिटी या वॉल्यूम का क्वेश्चन बेटा एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा आप इसको ध्यान से समझें तो ये मैंने यहाँ पे बेटा दो लाइंस खींची है और इमेजिन कर लेते हैं कि ये दो लाइन जो है ये स्पायरोग्राम के उस हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही है जो हमें दिखाता है बेटा जब एक पर्सन नॉर्मल इनहेल करेगा या एक्सेल करेगा मतलब जैसे आप सब अभी बैठे हैं तो आपने एयरफोन लगाया है और आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं एंड देख रहे हैं तो आप एकदम रिलैक्स मूड में है ना तो आप ध्यान से सुनिए बेटा एक बार आंखें बंद करें और ध्यान से देखिए आप आराम से स्लोली स्लोली क्या कर रहे हैं इनहेल कर रहे हैं एक्सेल कर रहे हैं सांस अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे हैं है ना नॉर्मली बेटा ऐसे धीमे धीमे ऐसा हो रहा है इनहेल फिर हो रहा है एक्सेल इन्ेल फिर हो रहा है एक्सेल बेटा ठीक है ना अगर मेरे को ये नॉर्मल ब्रीदिंग वाला इन्हीशन एंड एक्सलेशन बेटा स्पायरोग्राम पे शो करना होता है या स्पायरोग्राम जब उसको खुद ड्रॉ करता है तो वो इसे कैसे ड्रॉ करेगा बेटा इसको समझे ये ग्राफ का जो अपर एक्सीज आपको दिखाई दे रहा है ना ये अपर एक्सीज बेटा हमें शो करता है इन्ेलेशन क्या शो करता है इनहेलेशन शो करता है तो अगर मैं इसके यहाँ पर लिख दूँ तो मतलब अगर ग्रैफ की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है दैट मीन्स बेटा हम क्या कर रहे हैं हम इनहेल कर रहे हैं या जो पर्सन जिसको हम ये डिटेक्ट करा रहे थे वो इन्हील कर रहा है लेकिन अगर ग्रैफ नीचे की तरफ आ रहा है बेटा तो नीचे वाला ग्रैफ क्या रिप्रेजेंट करता है एक्सहेल रिप्रेजेंट करता है सो so इमेजिन कर लीजिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने एक्सहेल किया है अब वो इन्हील कर रहा है और जैसे वो इनहेल करेगा तो ग्रैफ यहाँ पर ड्रॉ होना शुरू होगा मशीन के द्वारा तो ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ हो गया बेटा ठीक है ना अब नॉर्मली आप क्या करते हैं अगर हम नॉर्मल सांस लेते हैं ना तो नॉर्मल सांस में बेटा आप एक नॉर्मल इनहेल करते हैं एक होता है एक नॉर्मल सांस लें फिर होता है एक लंबी सांस लें ये लंबी सांस हो गया ठीक है ना लेकिन मैं अभी लंबी सांस की बात नहीं कर रहा करूँ मैं नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहा करूँ तो नॉर्मल ब्रीदिंग का एक पीक है ना उस पीक के आगे नहीं जा सकते आप ठीक है लेकिन अगर आप उसके आगे जा रहे हैं तो फिर वो नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं रहा बेटा फिर वो फोर्सफुल ब्रीदिंग हो गया लेकिन अगर आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं ना तो आप फील कर रहे हैं ना इस चीज को बेटा तो नॉर्मल ब्रीदिंग ने अभी आपने एक सांस ली फिर आपने सांस छोड़ी फिर आपने, आपने अगेन सांस ली फिर आपने अगेन सांस छोड़ी फिर आपने अगेन सांस अंदर ली फिर आपने अगेन सांस छोड़ी बेटा तो जब एक पर्सन का हम बेटा रेस्परेटरी वॉल्यूम कैलकुलेट करते ना नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब बेटा नॉर्मल इनहेल एंड नॉर्मल एक्सेल करने के लिए तो वो ग्राफ कैसे आता है बेटा वो एकदम टाइड के जैसा आता है ना समुद्र में ऐसी लहर उठती है ना लहर ऊपर जाती है फिर लहर नीचे आती है बेटा तो टाइड की फॉर्म में ये इनहेल हुआ पीक पे पहुंचा फिर एक्सहेल हुआ एक्सहेल भी हम बेटा एक नॉर्मल वैल्यू तक कर सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में तो फिर अगेन क्या होगा इनहेल होगा पीक पे पहुंचा फिर अगेन क्या हो गया बेटा एक्सहेल हो गया तो एक तरीके के बेटा ऐसे ग्रैप बन रहा है टाइड फॉर्म ग्रैप बन रहा है बेटा सो बिकॉज ये ग्रैफ टाइड की फॉर्म में बनता है इस वजह से बेटा इस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम बेटा इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं तो सबसे पहले हम किसे समझ लेते हैं टाइडल वॉल्यूम को समझ लेते हैं तो पहली चीज तो आप याद रखेंगे बच्चा टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है सो टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है इंपॉर्टेंट है याद रख लेना ध्यान से टाइडल वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर इनपायर्ड मतलब आपने बेटा कितनी हवा इनहेल करी और एक्सपायर्ड या कितना आपने बेटा बाहर एक्सेल किया ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग और नॉर्मल रेस्पायरेशन बेटा समझ आया ना तो नॉर्मल ब्रीदिंग में बेटा एक हेल्दी पर्सन कितना नॉर्मली इन्ेल कर रहा है और कितना नॉर्मली एक्सेल कर रहा है सो दिस नॉर्मल इन्हेलेशन एंड एक्सेलेशन बेटा इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं ठीक है थीके? तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टाइडल वॉल्यूम को तो आप देख सकते हैं बेटा तो ये हो गया इनहेल <coughs> ये हो गया इनहेल ये हो गया एक्सहेल फिर अगेन ये हो गया इनहेल और फिर अगेन ये हो गया एक्सहेल समझ रहे ना फिर अगेन ये हो गया इनहेल और फिर अगेन ये हो गया एक्सहेल तो ये ऐसे चलता रहेगा है ना लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रैप ओवरऑल बनेगा कैसे एकदम टाइट की फॉर्म में ग्रैफ बनेगा बेटा विथ अ इंक्रीजिंग पीक एंड विथ अ डिक्रीजिंग पीक सो ये इंक्रीजिंग पीक रिप्रेजेंट करता है जब आप सांस अंदर ले रहे होते और ये उसका मैक्सिमम पॉइंट रिप्रेजेंट करता है ये मैक्सिमम कितना होगा वो हम अभी देखेंगे फिर ये रिप्रेजेंट करता है डिक्रीजिंग पीक बेटा एक्सेलेशन को फिर अगेन बिकॉज हर एक सांस छोड़ने के बाद आपको सांस नॉर्मली अंदर लेना पड़ेगा फिर अगेन नॉर्मल अंदर आप सांस लेंगे फिर अगेन आप नॉर्मल सांस वापस छोड़ेंगे सो दिस वॉल्यूम इज़ कॉल्ड एज इसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं बेटा ठीक है ना तो मैं शॉर्ट में पूरा तो नहीं लिख पाऊंगा मैं यहाँ पे खाली टीवी लिख देता हूं ठीक है तो टीवी मतलब ये वाली चीज होगी टीवी बेटा टाइडल वॉल्यूम समझ आया ना सो so, इतना वाले पोर्शन ने क्या रिप्रेजेंट किया इतने वाले पोर्शन ने टाइडल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया बेटा क्लियर हो गया तो अगेन मैं एक बार बता देता हूँ टाइडल वॉल्यूम क्या होता है सो so, याद रखेंगे बोझा टाइडल वॉल्यूम को जब हम एक्सप्लेन करते हैं सो so, टाइडल वॉल्यूम का एक्सप्लेन करने के लिए हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम अमाउंट ऑफ ईयर है जो एक पर्सन बेटा हेल्दी पर्सन इन्ेल करता है या एक्सहेल करता है बेटा ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन या ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग बेटा सो दिस नॉर्मल इन्ेलेशन एंड एक्सेलेन इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कितना एक पर्सन नॉर्मली इन्हेल या नॉर्मली एक्सहेल करता है हाउ मच एयर इज नॉर्मली इन्हेल्ड और हाउ मच एयर इज नॉर्मली एक्सहेल्ड बाय अ पर्सन तो इसके लिए आप याद रखेंगे बच्चा मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से

सेंटर मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग एंड नॉर्मल इन्हेलेशन एंड नॉर्मल एक्सेलेशन तो नॉर्मल नार्मल एंड एक्सेल करते तो टाइड की फॉर्म में हमारा स्पायरोग्राम का ग्राफ आता है अपर ग्राफ रिप्रेजेंट करता है इन्हेलेशन को लोअर ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एक्सेलेशन को और नॉर्मली बेटा एक पर्सन पर मिनट में कितनी सांस लेता है बेटा कितना हवा एंड एक्सेल करता है फाइव हंड्रेड एम इन्हेल एंड 500 हंड्रेड एम एक्सेल तो एवरेज में आप फाइव याद रख सकते हैं बिकॉज जो हवा आप अंदर लेंगे उतना ही अमाउंट ऑफ बेटा बाहर क्या करते हैं एक्सेल भी करते हैं सो दिस इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम ये आपका पहला वॉल्यूम खत्म हो गया ठीक है ना अब और एक चीज़ याद रखनी है बच्चा हम एक वर्ड यूज करते हैं मैं आगे इसको दोबारा बता दूंगा आपको जब लिखा दूंगा बट अभी इतना याद रहा हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेंटिलेशन दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेंटिलेशन <coughs> अभी पलमरी वेंटिलेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे बच्चा पूछा जा सकता है एग्जाम में तो पलमरी वेंटिलेशन का फॉर्मूला पहले याद रखेंगे पलमरी वेंटिलेशन का मतलब होता है रेट ऑफ ब्रीदिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग ठीक है मल्टीप्लाई बाय टाइडल वॉल्यूम तो ये पहले फॉर्मूला इसका याद रखेंगे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो पालमरी वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा रेट ऑफ़ ब्रीदिंग मल्टीप्लाई बाय टाइडल वॉल्यूम और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि नॉर्मल पर्सन में बेटा रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना होता है ट्वेल्व टू सिक्सटीन ब्रीदिंग्स पर मिनट होता है बेटा ठीक है ना और हमारा टाइडल वॉल्यूम कितना होता है बेटा हमारा टाइडल वॉल्यूम फाइव का होता है ठीक है इमेजिन कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्वेल्व को लेकर चलूँ तो पालमरी वेंटिलेशन क्या आएगा बेटा ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई फाइव हंड्रेड या अगर मैं सिक्सटीन लेके चलूँ तो क्या आएगा मल्टीप्लाई बाई फाइव हंड्रेड जब आप ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई फाइव हंड्रेड करेंगे तो ये कितना आसपास आएगा? आएगा है ना सिक्स थाउजेंड बेटा एंड जब आप सिक्सटीन को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा फाइव हंड्रेड से तो वो कितना आएगा एट थाउजेंड आएगा एट थाउजेंड आएगा क्लियर है ना सो so मींस हमारी बॉडी में हमारा पलरी वेंटिलेशन कितना होता है सिक्स थाउजेंड एट थाउजेंड पर मिनट समझ आया ना तो पर इन्हेलेशन में आपने 500 लिया था पर एक्सेलेशन में आपने 500 दिया था बेटा लेकिन अगर मैं इसको पर मिनट में ले लूँ तो पर मिनट हम कितनी बार इनहेलेंट एक्सेल करते हैं मिनिमम 12, मैक्सिमम 16 बेटा समझ आया ना तो अगर हम पर मिनट बेटा 12 से 16 बार एंड एक्सेल करते हैं हर इन्हेल में फाइव अंदर जा रहा है हर एक्सेल में 500 बाहर आ रहा है बेटा सो पालमरी वेंटिलेशन अगर हम पर मिनट का कैलकुलेट करें तो पर मिनट का पलमरी वेंटिलेशन कितना आता है रेट ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट डिवाइड मल्टीप्लाई बाय टाइडल वॉल्यूम तो ब्रीदिंग हमें पता है बेटा 12 टू 16 टाइम्स होता है टाइडल तो वॉल्यूम फाइव का होता है सो दैट मीन्स पल्मरी वेंटिलेशन कितना आएगा सिक्स टू एट आएगा जो एन में दिया हुआ है तो एन में जो वाली वैल्यू दिया हुआ है ना वो किसका दिया हुआ है बेटा वो पलमरी वेंटिलेशन का दिया हुआ है और पलमरी वेंटिलेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ ब्रीदिंग मल्टीप्लाइज बाय टाइडल वॉल्यूम से कैलकुलेट करेंगे सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ये आप याद रखेंगे बच्चा ठीक है ना तो टाइडल वॉल्यूम हमारा खत्म हो जाता है अब हम आते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम की तरफ विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ ये पोर्शन थोड़ा सा सो नेक्स्ट वॉल्यूम जो हम लेने वाले बेटा दैट इज कॉल्ड एज इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेटा इसको हम क्या बोलते हैं इनस्पायरेटरी रिजर्व अब ये क्या होता है इसको समझिएगा आप ध्यान से मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बता रहा हूं आपको आप नॉर्मल इनहेल एंड एक्सेल कर रहे थे ना आप नॉर्मल हवा अंदर ले रहे थे और फिर नॉर्मली बेटा हवा एक्सेल कर रहे थे ठीक है मैंने आपको बोला था जब आप ग्राफ को ऊपर ले जाते हैं दैट मीन्स इन्हीशन कर रहे हैं जब आप ग्राफ को नीचे ले ले आते हैं दैट मीन्स आप एक्सेलेशन कर रहे हैं ठीक है ना अब हुआ क्या बेटा आप मेरे सामने बैठे थे और मैंने आपको बोला कि आप एक लंबी सांस लीजिए नॉर्मल तो हम सांस ले रहे हैं ना नॉर्मल सांस देखिए अब आप मैं आपको बोल रहा है कि लंबा सांस अंदर लीजिए तो जैसे आप नॉर्मल सांस अभी ले रहे फिर लंबा सांस लेने के लिए आप क्या करेंगे आप करेंगे तो आपने एक लंबा सांस लिया ना तो जैसे आप लंबी सांस लेंगे तो इसका एक पीक होगा जैसे फॉर अगर आप फील कर पा रहे आप ऐसे करिए तो एक पीक आएगा उसके बाद आप एक लंबी सांस अंदर नहीं ले सकते फिर आपको सांस को वापस छोड़ना पड़ेगा समझ रहे ना सो इन्स्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर मेरे को कैलकु अगर मेरे को एक्सप्लेन करना पड़े तो मैं क्या बोलूँगा बेटा मैं बोलूंगा इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है बेटा जो एक पर्सन इंस्पायर करेगा आफ्टर फोर्सफुल आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम बेटा या आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर्सन सांस अंदर ले रहा है अंदर ले रहा है तो इस पॉइंट पे पहुंच गया तो so, ये इसका मैक्सिमम टाइडल वॉल्यूम हो गया बेटा अब अगर मैं इस पर्सन को बोलूं कि टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा आप हवा अंदर लीजिए तो ज़्यादा हवा, हवा अंदर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको बेटा इस लाइन को क्रॉस करके इससे आगे हवा अंदर लेनी पड़ेगी अब इससे आगे कितनी मैक्सिमम हवा फोर्सफुल इंस्पायरेशन से अंदर ले पाएगा सो दिस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो एक पर्सन इन्ेल कर सकता है बेटा आफ्टर एयर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम और आफ्टर अर नॉर्मल टाइडल इंस्पायरेशन बेटा सो दिस अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मली तो अंदर नहीं जाएगा इसको ले जाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा फोर्स लगाना पड़ेगा मतलब हमें फोर्सफुल इंस्पायरेशन करना पड़ेगा सो दिस वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन इंस्पायर करता है लेकिन कैसे फोर्सफुल इनपाइरेशन से बेटा सो दिस वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एज इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इनस्पायरेटरी का मतलब हुआ अंदर जा रहा है रिजर्व का मतलब हुआ बेटा कि मैक्सिमम कितना जा सकता है लंग्स में बेटा तो मैक्सिमम जो लंग्स में हवा जाएगी वो तो नॉर्मली नहीं जाएगी ना उसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा तो जब आप फोर्स लगाओगे बेटा फोर्स लगाने के बाद अब मैक्सिमम हवा कितनी अंदर ले पा रहे हैं सो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एज इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब अगर हम ये लाइन और एक खींचेंगे ग्राफ में ठीक है ना तो ये लाइन अब किसे रिप्रेजेंट करें ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा था नॉर्मल इन्स्पायरेशन को है ना लेकिन ये लाइन अब रिप्रेजेंट किसे करेगा बेटा नॉर्मल से ज़्यादा अगर आप इंस्पायर कर रहे हैं तो दिस लाइन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट वेरी पोर्शन ऑफ एयर बेटा तो मतलब ये हुआ कि अगर हम नॉर्मल इन्हील कर रहे थे लेकिन नॉर्मल इन्हेलेशन के बाद अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप फोर्सफुल इन्हेलेशन करिए या डॉक्टर आपको बता रहा है फोर्सफुल इनहेलेशन करिए तो फोर्सफुल इनहेलेशन के लिए आप क्या करेंगे बच्चा आप यहां से हवा अंदर लेना शुरू करेंगे कुछ ऐसे इस तरीके से समझ रहे ना थोड़ा अच्छे बन, अच्छे से बना देता हूं इसको रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज वॉल्यूम ये बहुत सिंपल टॉपिक है बट फिर भी पता नहीं लोग इसको क्यों इतना टफ बनाते हैं बट ये बहुत ईजी टॉपिक है बेटा अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे क्या बता रहा है तो ये आपका यहाँ तक हो गया बेटा नॉर्मल इन्हेलेशन टाइडल वॉल्यूम वाला इन्हेलेशन लेकिन अभी मैं बींग ए डॉक्टर बेटा आपको क्या बता रहा हूँ कि आप फोर्सफुल इन्हेल करें जैसे आप कभी डॉक्टर के पास ज्यादा बोल बोलते हैं लंबी सांस लो तो जैसे आप लंबी सांस लेंगे ना तो लंबी सांस का मतलब क्या हुआ बेटा कि आप क्या कर रहे हैं आप इसके बाद एक फोर्सफुल इन्हेलेशन कर रहे हैं बेटा सांस अंदर की तरफ ले रहे हैं सो तो ये यहाँ तक तो नॉर्मल था इस जगह तक तो ये नॉर्मल था लेकिन जैसे इस जगह से आपने सांस अंदर लेना शुरू किया ना अब आप फोर्स के थ्रू हवा को क्या कर रहे हैं बेटा अंदर भर रहे अब कितना मैक्सिमम हवा आप अंदर भरेंगे आफ्टर फोर्सफुल इन्हेलेशन बेटा और आफ्टर फोर्सफुल इन इस वॉल्यूम ऑफ एयर को बिकॉज़ ये भी कैलकुलेट हो रहा है ना ग्राफ की वजह से बेटा सो दिस पर्टिकुलर ग्राफ और दिस पर्टिकुलर पी का ग्राफ बेटा ये किसे रिप्रेजेंट करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को समझ आया ना सो so, मतलब अगर मैं सिंपलीफाई कर दूँ इसको तो मतलब ये वाला पोर्शन जो है ठीक है ना ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करें जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं आईआरवी बोलते हैं बेटा तो आईआरवी का मतलब क्या होता है इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है बच्चा और कितना इसका वैल्यू होता है तो एक नॉर्मल पर्सन बेटा कितना इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिखा सकता है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड मतलब पच्चीस सौ से लेकर तीन हजार एम एल तक ठीक है ना आप क्या कर सकते हैं बेटा हवा को फोर्स के थ्रू इनहेल कर सकते हैं बेटा तो इनस्पायरेटरी रिजर्व वालीम की वैल्यू क्या होती है अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड एमएल बेटा समझ आया तो ये हो गया आपका क्या इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो याद रखेंगे बच्चा इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम बोलते हैं इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ ईयर एडिशनल मतलब बेटा आफ्टर टाइटल वॉल्यूम हाँ ए पर्सन कैन इंस्पायर जो एक पर्सन बेटा इंस्पायर कर सकता है इनहेल कर सकता है लेकिन कैसे बाई फोर्सफुल inhalation बेटा सो दिस फोर्सफुल ईयर जो आप हवा के लंग्स के अंदर भर रहे हैं बेटा एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद सो दिस इज़ कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा पच्चीस सौ से लेकर तीन हज़ार की होती है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आप इसे याद रखेंगे ठीक है न? नेक्स्ट वैल्यू जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है ये आपको समझना है बेटा इधर देखिए आपने इनहेल किया बच्चा है ना इनहेल करने के बाद आप क्या करेंगे आपने एक लंबी सांस अंदर ली फिर आप लंबी सांस अंदर लेने के बाद क्या करेंगे बच्चा ऐसे एक्सहेल करेंगे है ना आप ऐसे एक्सहेल करेंगे बच्चा सो so, मतलब जो आपने एक्स्ट्रा एयर इनहेल किया था बच्चा वो एक्स्ट्रा एयर आपने इस पॉइंट तक क्या कर दिया वापस कर दिया क्लियर है अब अगर आप इससे नीचे जाएंगे बेटा तो अब आप वापस क्या दे रहे हैं अभी आप वापस दे रहे हैं बेटा टाइडल वॉल्यूम तो यह आपने टाइडल वॉल्यूम वापस दे ध्यान से देख लीजिए इधर आपने नॉर्मल ब्रीदिंग किया था इस पॉइंट तक पहुंचे तो यहां तक ये यह टाइडल वॉल्यूम था फिर इससे आगे चले गए आप बेटा आप इस पॉइंट तक पहुंचे तो यहां तक ये यह क्या बन गया इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बन गया सो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये है इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेकिन जब आप, आप एक्सेल करेंगे ना तो एक्सेल करते 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 बेटा जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे सो so दैट मीन्स आपने वापस क्या किया आपने वापस एक्सप इस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किया मतलब जो हवा अंदर ली थी वो इन्स्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वजह से वो अमाउंट ऑफ एयर आप अभी आप वापस कर रहे हैं क्लियर जब आप इससे नीचे आएंगे बेटा तो अभी आप वापस क्या कर रहे हैं बेटा जो आपने यहाँ पे क्या लिया था बेटा टाइडल वॉल्यूम में इस्पायरेटरी वॉल्यूम अंदर लिया था सो मीन्स अगर इस ट्रायंगल को हम ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रायंगल में हिसाब बराबर हो गया जो आपने अंदर लिया था यहां पे वो आपने इधर वापस दे दिया जो आपने इधर अंदर ली थी हवा बेटा वो आपने इधर वापस दे दी क्लियर है ना लेकिन अगर ए डॉक्टर बेटा मैं आपको क्या बोल रहा हूं मैं आपको बोल रहा हूं आप नॉर्मल एक्सीलेशन के बाद एक फोर्सफुल एक्सीशन करिए बेटा ठीक है ना नॉर्मल हम करते हैं ना जैसे सांस अंदर लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं लेकिन डॉक्टर कभी कभी आपको बोलता है कि एक लंबी सांस बाहर छोड़िए तो लंबी सांस बाहर छोड़ने के लिए आप क्या करेंगे करेंगे ऐसे एक लंबा सा बाहर छोड़ेंगे बेटा एक मिनट रुक जाए तो एक लंबी सांस बाहर छोड़ेंगे ना बच्चा तो ये लंबी सांस जब आप बाहर छोड़ते हैं ना सो दैट मीन्स ये लंबी सांस आप बाहर छोड़ेंगे आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन बेटा मतलब आपने एक नॉर्मल एक्सपायरेशन किया उस नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आप क्या कर रहे हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो अगर मैं यहां पे और एक लाइन ड्रॉ कर दू मान लीजिए फॉर फोर्जम दिस इज दिस इज अनदर लाइन ऑफ ग्रैफ ही्पल ये वाला थोड़ा सा नीचे लाता है इसको तो ये अनदर लाइन है ग्रेफ का बेटा तो मैंने अभी बोला था सेंटर लाइन ये हो गया तो ये कर रहा है रिप्रेजेंट नॉर्मल इन एस्पायरेशन ये कर रहा है रिप्रेजेंट नॉर्मल एक्सपायरेशन इससे ऊपर जाओगे तो फोर्सफुल इनस्पायरेशन तो ऑटोमेटिकली बेटा इससे नीचे जाओगे तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन बेटा तो एक पर्सन बेटा जब नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद ठीक है ना नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद जब एक पर्सन क्या करेगा बेटा फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेगा ठीक है मान लीजिए फॉर ऐसे तो यहाँ से नीचे एक पर्सन क्या कर रहा है एक्सपायर कर रहा है तो ये एक्सपायरेशन जो वो कर रहा है बेटा ये तो नॉर्मल के बाद शुरू हो रही है ना टाइडल वॉल्यूम के बाद शुरू हो रही है सो so, ये टाइडल वॉल्यूम के बाद शुरू हुई दैट मीन्स ये एक्सपायरेशन कैसा होगा दिस विल बी अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन नॉर्मल एक्सपायर तो हम करते रहते हैं हमें उसका पता भी नहीं चलता लेकिन कभी हम एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं कुछ ऐसे करके हम बेटा एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं तो जब आप एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं ना दैट मीन्स आप क्या शुरू कर रहे हैं बेटा आप टाइडल वॉल्यूम के बाद एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन शुरू कर रहे हैं बेटा सो दिस फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेटा मतलब ये चीज़ जो है बेटा ग्रैफ में ये वाला पॉइंट जो है यहां से लेकर यहां तक सो so, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम शॉर्ट में ई आर वी बोलते हैं बेटा तो ई आर वी का मतलब क्या होता है बेटा ई आर वी का मतलब होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और अगर मेरे को बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एक्सप्लेन करना पड़े या एन ने जैसे एक्सप्लेन किया तो हम बोलते हैं बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एडिशनल का मतलब अगेन क्या हो गया टाइडल वॉल्यूम के बाद ए पर्सन कैन एक्सपायर बाई फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब एक पर्सन कितनी मैक्सिमम हवा को एक्सेल कर सकता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद बेटा सो दैट अमाउंट ऑफ एक्सपायर्ड ईयर इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको कैलकुलेट कौन करेगा स्पायरो मीटर करेगा बेटा समझ गया ना और कितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन हम करते हैं तो इसका वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ये भी याद रखना है सो so अप्रॉक्सीमेशन में ले लेते ले ले हैं तो ये होता है लगभग लगभग 1100 आ, नहीं 1000 वन थाउजेंड टू अलेवन हंड्रेड होता है वन थाउजेंड टू अलेवन हंड्रेड एम होता है ठीक है ना तो दोनों को कंपेयर करें तो इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ज्यादा है बेटा किसके कंपैरिजन में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के कंपैरिजन में है ना इनस्पायरेटरी ईयर हम ज्यादा फोर्सफुल इन्हेलेशन कर सकते हैं लेकिन हम ज्यादा बेटा फोर्सफुल एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन नहीं कर पाते हैं बेटा ठीक है ना क्यों नहीं कर पाते है? उसका हम अभी नीचे देखेंगे रीजन रेजिडल वॉल्यूम बेटा ठीक है सो so, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सो so, ये जो चीज़ है बेटा दिस रिप्रेजेंट टाइडल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है नॉर्मल इनेल एंड नॉर्मल एक्सेल बेटा ठीक है ना तो ये होता है पर एक्सेल एंड पर इन्हेल में 500, लेकिन पर मिनट के कंपेरिजन में कैलकुलेट करेंगे तो वो 6000 थाउजेंड टू एट थाउजेंड के आसपास पास आएगा इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पर मिनट में देखेंगे बेटा वो टू टू थ्री थाउजेंड होता है और इसका मतलब क्या होता है बेटा इसका मतलब होता है कि नॉर्मल इन्हेलेशन के बाद या टाइडल वॉल्यूम की इन्हेलेशन के बाद एक पर्सन मैक्सिमम इनहेल कितना कर सकता है बाय फोर्सफुल उसको हम बेटा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं लेकिन उसका अपोजिट अगर लेंगे बेटा कि एक पर्सन मैक्सिमम एक्सेल कितना कर सकता है एक नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद बेटा एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं तो ये इनके वैल्यूज भी साथ साथ दिख रहा हूँ मैं ताकि आपको ये इसी फॉर्म में याद रहे तो आपको ये अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं आपको अगर ये ग्रैफ याद रहता है या ग्रैफ बनाना आपको आता है तो आपको कोई भी वॉल्यूम कभी भी याद रहेगा चाहे किसी भी एग्जाम में आ जाए ठीक है ना अब इधर देखिए नीचे देखिए बेटा नीचे और एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं ठीक है ये हम और एक लाइन ड्रॉ कर देते इधर थोड़ा बड़ा लाइन ड्रॉ करता हूं मैं अब इस चीज को ध्यान से देखिए तो मतलब ये लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और मैंने अभी अभी आपको बोला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप लंग से मैक्सिमम हवा कितनी एक्सेल कर सकते हैं सो मैक्सिमम तो इधर पहुंच गया तो दैट मीन्स इससे आगे हम बेटा लंग्स में से हवा को एक्सेल नहीं कर पाएंगे चाहे आप कितना भी फोर्स लगाओ इससे नीचे जो हवा रहेगी बेटा लंग्स में वो लंग से कभी भी बाहर नहीं आ सकती है बेटा समझ आया ना सो दैट मीन्स हमारे लंग्स के अंदर बेटा कुछ ऐसा अमाउंट ऑफ एयर हमेशा रहता है जो लंग के अंदर ही रहेगा जो लंग से कभी भी बाहर नहीं आता बच्चा सो दिस अमाउंट ऑफ एयर और दिस वॉल्यूम ऑफ एयर बेटा जो कहाँ पे रहता है जो लंग्स में रहता है और वो लंग से कभी भी बाहर नहीं आएगा चाहे आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर पाएंगे बेटा चाहे आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर पाएंगे सो दैट अमाउंट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एज रेजिडल वॉल्यूम बेटा ठीक है तो रेजिडल वॉल्यूम समझ समझिए रेजिडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है तो रेजिडअल वॉल्यूम जो होता है बेटा फॉर अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पर तो ये हम यहाँ पर कलर से मैं इसको थोड़ा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप लंग्स के अंदर चले गए तो लंग्स के अंदर आप जब एक्सहेल करेंगे ना एक्सेल करते समय आप क्या कर रहे हैं हवा को बाहर ला रहे हैं बेटा फोर्सफुल एक्सेशन से आप बेटा आपने कितनी हवा बाहर लाई आपने वन थाउजेंड टू अलेवन हंड्रेड की हवा बाहर लाई लेकिन वन थाउजेंड टू अलेवन हंड्रेड के बाद आप क्या देखते हैं कि आपके लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर तब भी बचती है मतलब फोर्सफुल एक्सेशन के बाद भी बचती है जो लंग में आप कितना भी प्रेशर लगाओ कितनी भी बेटा आप कोशिश करो वो हवा बाहर नहीं आएगी सो दैट वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमेशा लंग्स में ही रहती है वो कभी भी बेटा फोर्सफुल एक्सपरेशन से बाहर नहीं आ पाती है दैट अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम तो मतलब ये जो चीज़ है बेटा यहाँ पे ये जो पार्ट है बेटा हमारे ग्राफ का ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिड्यूअल वॉल्यूम को बेटा एंड रेजिडल वॉल्यूम आपके लंग्स का कितना होता है ये होता है अलेवन हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड के आसपास होता है बेटा अलेवन हंड्रेड टू ट्रेड एम एल सो मीन्स आप कितनी भी कोशिश करेंगे ये अमाउंट ऑफ एयर को आप लंग से बाहर नहीं ला पाएंगे आप लंग से बाहर कितने को ले पाएंगे बेटा 1000 थाउजेंड अलेवन हंड्रेड को ले पाएंगे तो ये तो हो गया ना मैक्सिमम ईआरवी लेकिन मैक्सिमम के बाद ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि आपके लंग्स आवाज से खाली हो गए आपके लंग्स में बेटा तब भी कुछ अमाउंट ऑफ हवा बचती है बट वो हवा कभी भी बॉडी में लंग से बाहर नहीं आ पाती है बेटा ये बाहर आएगी तभी जब इंसान की डेथ होगी डिकम्पोजिशन होगा तभी बाहर आएगी लेकिन नॉर्मली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लिविंग इंसान के अंदर कभी बाहर नहीं आ पाती है सो दिस अमाउंट ऑफ ईयर बेटा जो हमेशा लंग्स में ही रहती है दिस इज कॉल्ड एज रेजिड्यूअल वॉल इसको हम इसलिए रेजिडअल बोलते हैं <coughs> बिकॉज ये पीछे बचा हुआ अमाउंट ऑफ एयर होता है जो किस में रहता है बेटा जो हमेशा लंग्स में रहता है सो दिस इज कॉल्ड एज रेजल वॉल्यूम बेटा समझ आया ना तो ये कुछ वॉल्यूम्स है जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं बेटा ठीक है तो पहला हमने पढ़ा था टाइडल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम बेटा सेकेंड आपने पढ़ा बेटा इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थर्ड आपने पढ़ा बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम एंड फोर्थ आपने पढ़ा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्लियर हो गया अच्छा इसके अलावा और एक वॉल्यूम होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम ठीक है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ठीक है ना और एक वॉल्यूम होता है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं अब ये क्या चीज़ है इसको समझिए देखिए आपको पता है बेटा मैंने आपको लंग पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था लंग में ट्राई किया होता है ट्राई किया के बाद बेटा प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं ना प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाइज होते हैं सेकेंडरी के बाद बेटा फिर टर्शरी ब्रोंकाइज़ होते हैं टर्शरी के बाद बेटा फिर ब्रोंक्यूल्स होते हैं हमने पढ़े थे टर्मिनल ब्रोंक्यूल रेस्पाटरी ब्रोंकिल प्राइमरी ब्रोक्योल डैश एंड डैश एंड फिर शॉर्ट में अगर मैं कर दूँ इसको तो फिर फाइनली आपको क्या मिलते है बेटा एलि मिलते हैं ना आपको ऐसे अलवि मिलते हैं और हमने इस पूरे सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था बेटा अगर मैं इधर फॉर एग्जांपल डिवाइड कर इसको तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था तो एक हिस्से को मैंने आपको बोला था कंडक्टिंग जोन एक हिस्से को हमने बोला था कंडक्टिंग जोन एंड दूसरे हिस्से को हमने बोला था रेस्पायरेटरी जोन रेस्पायरेटरी जोन बेटा ठीक <laughs> है अब होता क्या है बच्चा कि जब आप नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम में हवा अंदर लेते हैं तो आप कितनी हवा अंदर लेते हैं टाइडल वॉल्यूम में 500 हंड्रेड लेते हैं 500 हंड्रेड लेते हैं है ना अब 500 हंड्रेड बेटा जब आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्री में पहुंच जाती है तो आउट ऑफ दिस 500 हंड्रेड एमाउंट ऑफ एयर जो आपने इनहेल किया ना इस कंडक्टिंग जोन में बेटा कुछ हवा रह जाती है जो रेस्पायर नहीं हो पाती है समझ आया ना जिसका डिफ्यूजन नहीं हो पाता है तो वो अमाउंट ऑफ एयर अप्रॉक्सीमेटली वन हंड्रेड फिफ्टी के आसपास होता है क्लियर है ना 500 में से 150 हंड्रेड माइनस करिए तो पीछे कितना बच जाएगा 350 350 बेटा 350 फिफ्टी पीछे बच गया वो 350 फिफ्टी एम कहाँ पहुंच जाता है बेटा वो रेस्पिरेटरी जोन में पहुँचता है तो मतलब इनहेल आप कर रहे हैं बेटा 500 हंड्रेड लेकिन वो 500 हंड्रेड का डिफ्यूजन नहीं हो रहा है 500 हंड्रेड में से बेटा खाली 350 फिफ्टी का डिफ्यूजन हो रहा है समझ रहे ना तो ये जो 350 फिफ्टी एम डिफ्यूज़ हो रहा है बेटा इसके बाद बचा कितना जो डिफ्यूज़ नहीं हो पाया वो 150 हंड्रेड एम बच गया बेटा सो so, दिस 150 हंड्रेड फिफ्टी एम इज़ कॉल्ड एज डेड स्पेस वॉल्यूम बिकॉज इसका कोई भी यूज़ नहीं है ये रहेगा बेटा इन ट्यूब्स के अंदर इन पाइप्स के अंदर बेटा इसका डिफ्यूजन नहीं हो पाता है सो दिस वन फिफ्टी एम इज़ कॉल्ड एज डेड स्पेस वॉल्यूम बेटा ठीक है तो याद रख लेना डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है डी एस वी तो डेड स्पेस वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ईयर जो कहाँ पर रहती है बेटा कंडक्टिंग जोन में रहती है जिसका रेस्पायरेशन नहीं हो पाता है बेटा ये जो रेस्परेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है क्लियर हो गया ये सो so, ये आपके वॉल्यूम्स हो जाते हैं यहाँ पे ख़त्म बेटा ठीक है ना अब वॉल्यूम के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी है वो है बेटा रेस्पायरेटरी कैपेसिटीज ठीक है तो सबसे पहली कैपेसिटी जो हम लेते हैं सो दैट इज कॉल्ड एज इनस्पायरेटरी कैपेसिटी बेटा ठीक है सबसे पहले इधर देख लेते हैं मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ अभी इनस्पायरेटरी कैपेसिटी अब इनस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझें इनस्पायरेटरी इनस्पायरेटरी मतलब यहाँ पे हम इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं है ना हवा अंदर लेने की बात कर रहे हैं तो अगर हम हवा को अंदर लेने की बात कर रहे हैं दैट मीन्स बेटा इसके अंदर हम रेजिडुअल वॉल्यूम को पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो फिर इनस्पायरेटरी वॉल्यूम में क्या आता है बेटा इनस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या आता है तो इनस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है ये ध्यान से देखे बेटा तो इनस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा टाइडल वॉल्यूम प्लस इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेटा मतलब अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो हम इनस्पायरेटरी कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करते हम बोलते हैं बेटा इनस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ईयर मतलब मैक्सिमम ईयर या टोटल अमाउंट ऑफ ईयर जो एक पर्सन बेटा इंस्पायर कर सकता है एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मतलब मैक्सिमम ईयर एक पर्सन कितना इनहेल करेगा कितना अंदर लेगा बेटा टोटल अमाउंट ऑफ ईयर कितना अंदर लेगा आफ्टर एक्सपायरेशन सो दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ ईयर इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तो हम मैंने देख, बोला ना बेटा जब हम नॉर्मल ग्राफ को देखते हैं तो नॉर्मल ग्राफ में ये इंस्पायरेशन हो गया Volume inspiration हो गया ना, फिर उसके बाद क्या हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इंस्पायरेशन हो गया तो टोटल ईयर हम कितना इंस्पायर करते हैं तो ये लाइन हम टोटल इंस्पायर कर पाते हैं बेटा दिख रहा है ना ग्रेफ में क्या इसके अलावा कुछ और इंस्पायर हो रहा है नहीं हो रहा बच्चा सो दिस इज द लाइन दैट रिप्रेजेंट टोटल इंस्पायरेशन सो दिस टोटल इंस्पायरेशन जो हम नॉर्मली बेटा ग्रेफ से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, मशीन से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। हम उसको फिर खुद कैलकुलेट करते हैं बेटा दिस इज कॉल्ड एज इनस्पायरेटरी कैपेसिटी तो अगर मैं इसको इधर लिख दूं तो ये लाइन किसे रिप्रेजेंट कर, कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा इनस पाई रेटरी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो इनपायरेटरी कैपेसिटी को हम कैसे लिखते हैं बेटा आई लिखते हैं तो आई सी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेटा है ना हमें ऑलरेडी पता है बेटा टाइडल वॉल्यूम कितना होता है बेटा 500 होता है इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है बेटा 3000 होता है मैं अपर लिमिट ले रहा हूं आप लोअर भी ले सकते हैं ठीक है ना तो ये कितना आएगा बेटा थ्री थाउजेंड आएगा तो मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईयर जो आप इन्हेल कर पाएंगे बेटा दैट इज इक्वल टू थ्री थाउजेंड सो दिस इज इनस्पायरेटरी कैपेसिटी बेटा सेकेंड आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी <coughs> तो समझाने की जरूरत नहीं है बेटा अगर ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल अमाउंट ऑफ एयर इंसपायर्ड कितना आपने मैक्सिमम इंस्पायर किया बेटा <coughs> तो ये लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल इनहेलेशन के बाद नॉर्मल इनहेल करने के बाद बेटा आप कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हैं नॉर्मल इनहेलेशन के बाद सो दैट टोटल वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बेटा समझ आया ना सो so, मतलब ये लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेटा तो कलर में अलग ही यूज करूंगा इसके लिए भी सो so मीन्स कि ये वाला पोर्शन जो है बेटा सो दिस मच पोर्शन हियर ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को ये है आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको इसको हम ई सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ई सी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेटा है ना तो ई सी तो आपको टी वी तो ऑलरेडी पता है टी वी कितना था फाइव हंड्रेड और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का अपर लिमिट कितना है बेटा अलेवन हंड्रेड है ना तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा ये आएगा सिक्सटीन हंड्रेड एम एल सो so मीन्स आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है लंग्स की वो होती है सिक्सटीन हंड्रेड एम बेटा कैसे डिफाइन करते हैं तो डिफिनेशन के लिए याद रखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन सो दिस टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम एक्सपायर करते हैं बेटा नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं बेटा क्लियर हो गया ना <coughs> नेक्स्ट जो आता है बेटा नेक्स्ट को हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी देखिए मान लीजिए फॉर जो मेरे को जिंदा रहना है है ना तो जिंदा रहने के लिए बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा नॉर्मल बैठा हूँ तो मेरे को टाइडल वॉल्यूम करना पड़ेगा मैं दौड़ रहा हूँ बेटा मैं किसी से भाग रहा हूँ या किसी के पीछे भाग रहा हूँ ये सब बेटा वाइटलिटी के लिए जरूरी है ना लाइफ को जिंदा रखने के लिए ये चीज़ें जरूरी है आपको कभी जल्दी काम करना पड़ेगा कभी स्लोली काम करना पड़ेगा कभी रेस्ट लेना पड़ेगा तो जब आप स्लोली काम कर रहे हैं दैट मीन जिंदा रहने के लिए आप टाइडल वॉल्यूम को यूज़ कर रहे हैं जब आप फोर्सफुल काम कर रहे हैं बेटा दौड़ रहे हैं किसी के पीछे या कोई आपके पीछे दौड़ रहा आप अपने आप को बचाना चाहते हैं बेटा प्रेडेटर से या आप प्रे के पीछे दौड़ रहे हैं बेटा तो ये सब वाइटलिटी के लिए जरूरी है ना तो उस टाइम पे आपकी बॉडी क्या करेगी बेटा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी यूज़ करेगी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी यूज़ करेंगी समझ गया ना सो so, मतलब फॉर वाइटेलिटी बेटा टाइडल वॉल्यूम भी ज़रूरी है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ज़रूरी है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ज़रूरी है बेटा समझ गए ना सो so, इन तीन की कंबिनेशन को हम क्या बोलते हैं इसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं मतलब वाइटल कैपेसिटी को अगर मेरे को शो करना है ग्राफ में तो कैसे शो करेंगे बेटा वाइटल कैपेसिटी को ग्राफ में मैं कलर इसके लिए यूज करूंगा सो so, ये पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हैं ना दिस होल पोर्शन बेटा ठीक है ना सो so, दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी बेटा इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम नाम देते हैं वाइटल कैपेसिटी तो ये हो गई पूरा का पूरा वाइटल कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी बेटा तो ये यहां तक वाइटल कैपेसिटी हो गया समझ आया ना ये पूरा तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या हो फिर वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इनस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेटा ये टाइडल वाइटल कैपेसिटी हो गया कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन में क्या निकलेगा आपको ये हो गया फाइव हंड्रेंड है ना इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मैक्सिमम हो गया थ्री थाउजेंड इसका हो गया बेटा अलेवन हंड्रेंड है ना एक्सपायरेटरी का अलेवन हंड्रेंड हो गया तो कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना निकलेगा बेटा टोटल निकलेगा फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एम एल निकलेगा मतलब हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है बेटा वो होती है फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एम एल बेटा सो so अगर इसको आप बुक के अकॉर्डिंग डिफाइन करना चाहते हो आप बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी क्या है तो वाइटल कैपेसिटी है बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन ब्रीथ करेगा बेटा आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन ठीक है ना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन ब्रीथ करता है बेटा ब्रीथ इन करता है आफ्टर फोर्सड एक्सपायरेशन बेटा सो दिस मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो ब्रीद इन हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी कैपेसिटी बेटा ठीक है तो वाइटल में क्या क्या आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है टाइडल वॉल्यूम आता है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है क्लियर है ना या इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन ब्रीद करेगा आउट आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन तो दोनों को ध्यान से सुन लेना वाइटल कैपेसिटी में आप इनस्पायरेशन भी यूज करते हैं एक्सपायरेशन भी यूज करते हैं तो अगर आप इसको एक्सपायरेशन के मैकेनिज्म से डिफाइन कर रहे हैं ना तो आप बोलेंगे बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन ब्रीद इन कर रहा है लेकिन कब आफ्टर एक्सपायरेशन बेटा फोर्सड एक्सपायरेशन लेकिन अगर आप बेटा इसको उल्टा अलग तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं तो आप अगेन बता सकते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन ब्रीद आउट कर रहा है लेकिन कब फोर्सड इन एक्सपायरेशन के बाद तो फोर्सड एक्सपायरेशन यूज कर रहे हैं तो ब्रीद इन यूज करना पड़ेगा एंड फोर्सड एक्सप इंस्पायरेशन यूज कर रहे हैं तो ब्रीद आउट यूज करना पड़ेगा बेटा सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी बेटा क्लियर हो गया यहां तक नेक्स्ट <coughs> जो आता है बेटा दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम नाम देते हैं बेटा टोटल लंग कैपेसिटी ठीक है ना शॉर्ट में टीएलसी बोलते हैं तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है ये देखिए मैं इसको ग्राफ पे पहले शो करता हूँ ताकि आपको ग्राफ दिमाग में बैठ गया ना आपके तो आपको ये कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो ध्यान से देख लीजिए ग्राफ को बेटा टोटल लंग कैपेसिटी मतलब सारी वॉल्यूम्स को जोड़ के बेटा जो कैपेसिटी निकलेगी ना उसको हम क्या बोलते हैं टोटल लंग कैपैसी यानी टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आएगा पहले इधर लिख देता हूँ मैं टोटल लंग कैपेसिटी टोटल लंग कैपेसिटी बेटा ठीक है ना टोटल लंग कैपेसिटी इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा टी एल सी लिखते हैं ना तो ये टी एल सी हो गया बच्चा टी एल सी मतलब टोटल लंग कैपेसिटी तो मतलब जो कुछ हमने लंग में पढ़ा ना उस सब को कैलकुलेट करके बेटा जो कैपेसिटी निकलेगा दैट होल थिंग इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी तो टोटल लंग कैपेसिटी को मैं कैसे लिखूँ टोटल लंग कैपेसिटी को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैं लिखूँ टी एल सी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडअल वॉल्यूम अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं बेटा है ना बिकॉज वाइटल कैपेसिटी को अगर आप खोलेंगे तो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा टीएलसी इज कॉल्ड टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडल वॉल्यूम तो वैसे लिखो ऐसे लिखो एक ही बात है तो कैलकुलेट करेंगे बेटा तो कैलकुलेशन के बाद आपको क्या मिलता है हमें ऑलरेडी पता है बच्चा कि हमको आ, ई के अंदर बेटा हमको 500 तो ये वाला हो गया ठीक है ना ऐसे देखिए तो ये वाला तो 500 हो गया बेटा ठीक है ना टाइडल वॉल्यूम इज़ कॉल्ड फाइव हंड्रेड इन एस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज कॉल्ड थ्री थाउजेंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ कॉल्ड अलेवन हंड्रेड एंड रिजिडअल वॉल्यूम कितना होता है ट्वेल्व हंड्रेड तो अगर मैं इनको सिम्प्लीफाई करके डायरेक्टली कैलकुलेट कर दूं तो ये कितना आएगा अप्रोसीमेटली आएगा फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एम एल आएगा यह आएगा फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एम एल

आफ्टर फोर्सड इनस्पायरेशन बेटा सो दैट टोटल वॉल्यूम इज़ कॉल्ड एज टोटल लर्न कैपैसिटी बेटा क्लियर हो गया ना बच्चा नेक्स्ट और एक चीज़ आती है बेटा जो लिखी जाती है बुक में दैट इज फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपैसिटी बेटा अब ये फंक्शनल रेजिडल कैपैसिटी क्या होता है इसको पहले आप देख लेते हैं बेटा तो ये इधर देख लेते हैं मैं इसके लिए भी कलर ही यूज़ करता हूँ ताकि दिख जाए आपको यह है तो ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ना दिस पोर्शन इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इज कॉल्ड एज फंक्शनल फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी शॉर्ट में इसको लिखते हैं बेटा एफ आर सी तो एफ आर सी मतलब फंक्शनल रेजिडअल कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडल वॉल्यूम बेटा ठीक है ना और आपको ऑलरेडी पता है बेटा ई आर वी एलेवन हंड्रेड हो गया रेजिडल वॉल्यूम बारह सो हो गया तो कितना निकलेगा टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एम एल निकलेगा बेटा <coughs> तो इस छोटे से ग्राफ में आपकी सारी वॉल्यूम्स और सारी कैपेसिटीज क्या हो जाती है बेटा फिनिश हो जाती है समझ आया ना तो मैंने सब कुछ एक ही जगह पर दिखाया अब आपका कितना आप इसमें याद करते हैं कितनी मेहनत से इसको सुनते हैं और फिर बाद में समझते हैं सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू बेटा सो ये ऑप के सॉरे वॉल्यूम्स और कैपेसिटी जस्ट एक पेज पे हो गए और इसी पेज को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा मल्टीपल टाइम्स खुद इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करेंगे खुद इन वॉल्यूम्स को लिखेंगे तो आपको कैपेसिटी को रटने का को कोई मसला ही नहीं है जैसे मैंने आपको यहाँ पर सिंपल ट्रिक बताया बेटा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आप खाली टाइडल वॉल्यूम प्लस आई लेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में आप खाली टाइडल वॉल्यूम प्लस ई आर वी ले लेंगे बेटा ठीक है ना एनस्पायरेटरी कैपेसिटी वाइडल कैपेसिटी की बात करेंगे तो तीनों चीजें जरूरी है एक्सपायरेशन भी होना चाहिए टाइडल भी होना चाहिए इनस्पायरेज तो ये तीन आएंगे बेटा टोटल में तो सारा का सारा हिसाब ही लेना पड़ेगा बेटा जीरो से लेकर एंड तक एंड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में बेटा आप क्या लेंगे ईआर वी प्लस आर वी और अगर आप फंक्शनल कैपेसिटी को कभी डिफाइन करना चाहे तो हम बोलते हैं बेटा फंक्शनल कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम लंग्स के अंदर रहेगा बेटा उसको हम क्या बोलते हैं इसको हम फंक्शनल रेजिडिवल कैपेसिटी बोलते हैं ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा आई डोंट थिंक इसमें कोई भी अभी कोई प्रॉब्लम है वेंट पलमरी वेंटिलेशन मैंने आपको पहले ही बोला था पल्मरी वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस रेस्पायरेटरी रेट चलो मैं इसको लिख देता हूँ बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है तो पहला होता है बेटा पलमनरी वेंटिलेशन हाँ पलमनरी वेंटिलेशन तो याद रखेंगे जब पलमनरी वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट रेस्पिरेटरी रेट है ना टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना है बेटा 500 हंड्रेड है जो हम अभी जान चुके हैं बेटा मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है ट्वेल्व सिक्सटीन टू सिक्सटीन पर मिनट बेटा ठीक है तो इसके कंपेरिजन में आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा बेटा ट्वेल्व टू सिक्सटीन को कैलकुलेट करेंगे वो आएगा सिक्स थाउजेंड टू एट थाउजेंड एम एल तो ये हो गया आपका पलमरी वेंटिलेशन बेटा इस पर कोई भी क्वेश्चन बदल के पूछा जाए तो आपको बस फॉमूला याद रखना है पलमरी वेंटिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है और एक चीज़ होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं <coughs> वेंटिलेशन परफ्यूजन रेट ना वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो अब ये क्या चीज है बेटा तो याद रखेंगे बच्चा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो का मतलब क्या होता है ये होता है बेटा रेशो ऑफ एलिव्यूलर वेंटिलेशन एंड अमाउंट ऑफ ब्लड दैट परफ्यूज द एलि बेटा मतलब आपकी बॉडी के अंदर बेटा कितना हवा एलिवल में आ रहा है और उस समय बेटा आपके एलविले से कितनी ब्लड गुजर रही है कितनी ब्लड निकल रही है बेटा सो दिस रेशो इज कॉल्ड एज वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो बेटा तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या लेते हैं आप लेते हैं बेटा एलवियोलर वेंटिलेशन है ना कितनी हवा बेटा एलविले में आ रही है डिवाइडेड बाई पालमनरी ब्लड फ्लो पलमोनरी ब्लड फ्लो मतलब लंग्स में कितना ब्लड उस टाइम पे फ्लो कर रहा है बेटा ठीक है तो एलिवलर वेंटिलेशन बेटा अप्रॉक्सीमेटली फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एम एल के पास हो, आस पास होती है एंड ये होता है बेटा फाइव थाउजेंड एम एल के आसपास तो जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो वो आएगा ज़ीरो पॉइंट एट फोर तो मतलब वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो बेटा इंसानों का ह्यूमन्स का कितना होता है जीरो पॉइंट एट फोर होता है क्लियर <coughs> हो गया ना अब ये वेंट एलिवुलर एल वेंटिलेशन क्या होता है इसमें टेंशन नहीं, नहीं लेना बेटा कि वेंटिलेशन क्या चीज़ है तो मैं इधर भी लिख देता हूँ बेटा इसको एलिवुलर वेंटिलेशन तो एलिवुलर वेंटिलेशन को हम कैलकुलेट करते हैं बेटा टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेस्पाइ रेट ठीक है तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे सो दिस इज़ फाइव हंड्रेड माइनस वन हंड्रेड एंड फिफ्टी एम एल मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व बेटा या ट्वेल्व सिक्सटीन आप ले सकते हैं आपकी मर्ज़ी ठीक है तो ये कितना आएगा बेटा ये आएगा फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एम एल पर मिनट आएगा तो यही हमने ऊपर डायरेक्टली लिखा था बट आप इसको भी देखना चाहते हो तो ये देख लीजिए बेटा ये होगा ये क्लियर हो गया ना <coughs> तो ये होगी आपके सारी वॉल्यूम्स और सारी कैपेसिटीज फिनिश बेटा ठीक है ना और याद रखेंगे हम कैपेसिटीज को क्यों कैलकुलेट करते हैं बेटा कैपेसिटीज को कैलकुलेट करने का मेन रीजन ये है कि जिन पर्सनस के अंदर बेटा लंग डिजीज होती है जैसे एस्थमा होता है ठीक है ना जैसे एम सीमा होता है ये सब लंग डिसऑर्डर से इनको हम आगे पढ़ेंगे बेटा ठीक है जैसे नमोनिया होता है नमूनिया होता है बेटा ठीक है जैसे टिबरकलोस होता है बेटा ठीक है या जैसे नीमोथोरैस होता है इन पर्सनस के अंदर बेटा जो इन बीमारियों से इफेक्टेड होते हैं ना इनमें हमेशा लंग कैपेसिटीज क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा लंग कैपेसिटीज डिक्रीज अंडर दीज पलनरी डिसऑर्डर्स बेटा तो यही रीजन है कि डॉक्टर के पास अगर आप जा रहे हैं आप बोल रहे हैं कि हमको लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले वो क्या करेगा बेटा आपकी कैपेसिटी या आपके वॉल्यूम्स को चेक करेगा टू तो एंश्योर कि आपकी बॉडी में कोई डेंजरस पलमरी डिसऑर्डर या डिजीज़ नहीं तो है बेटा अगर है तो उसी अकॉर्डिंग वो क्या करेगा आपको उस डिजीज के लिए ट्रीट करेगा बेटा क्लियर हो गया ना सो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं सो so, यही चीज़ हमने अभी देखा बेटा इनएसपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना तो आपने याद रखा इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि नॉर्मल इन्हेसन के बाद आप मैक्सिमम इन्हेल कितना कर पाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना और ये इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता था बेटा ये होता था टू टू थ्री थाउजेंड एम टाइडल वॉल्यूम की हमने बात करी तो नॉर्मल इन्हेसन एंड एक्सलेशन जो होता है दट इज़ कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम बेटा ये कितना होता था फाइव हंड्रेड होता था ठीक है फिर आपने देखा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब मैक्सिमम एक्सहेल आप कितना करते हैं बेटा एक नॉर्मल एक्सेशन के बाद एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद उसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं ये होता है 1000 थाउजेंड टू अलेवन हंड्रेड के आसपास रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तब भी कुछ अमाउंट ऑफ लंग्स में रहती है जो कभी भी बाहर नहीं आती है उसको हम रेजिडअल वॉल्यूम बोलते हैं बेटा ये होता है 1100 हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड के आसपास फिर आपने फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी देखा विच इज इक्वल टू ई आर वी प्लस आर वी बेटा आपने इन कैपेसिटी देखा विच इज इक्वल टू आई आर वी प्लस टाइडल वॉल्यूम बेटा आपने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा बेटा विच इज आपने वाइटल कैपेसिटी देखा तो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू आई आर वी प्लस टी वी प्लस ई आर वी बेटा ठीक है ना वॉल्यूम वॉल्यूम टाइडल टोटल लंग कैपेसिटी देखा तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी ठीक है सो एन सी कैसे लिखता है इन चीजों को तो टाइडल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्परेशन इट इज अप्रोक्सीमेटली फाइव हंड्रेड एम ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोसीड टू एट थाउजेंड एम एल ऑफ़ एयर पर मिनट तो मतलब ये चीज यहाँ पे क्या दी है ये पलमरी वेंटिलेशन दिए बेटा तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना तो ये है टाइडल वॉल्यूम और ये है पलमरी वेंटिलेशन तो इधर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंस्पायरेड रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन तो ये आपने वैल्यूज ऑलरेडी याद कर लिए तो ये चीज़ आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना तो दिस इज ऑल टुवर्ड्स द रेस्परेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्परेटरी कैपैसिटीज़ बेटा ठीक है ना तो आई होप व्यूम एंड कैपैसिटी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इनशाला हम क्या करेंगे हम प्रोसेस पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन ऑफ गेसिस की बेटा इन द रेस्परेटरी सिस्टम सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड खुदाफ गाइज